हेलो एवरीवन, मैं विजयलक्ष्मी एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। इससे पहले हमने पढ़ा था रुचिरा भाग 1, आज हम पढ़ने वाले रुचिरा भाग 2 और रुचिरा भाग 3 पढ़ते हैं हम 8th क्लास में। रुचिरा भाग 1 संस्कृत की बुक है जो कि 6th क्लास के बच्चों के लिए होती है। रुचिरा भाग 2 7th क्लास में संस्कृत की होती है और रुचिरा भाग 3 होती है वो 8th क्लास में संस्कृत की बुक होती है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले रुचिरा भाग 2। ठीक है, इसका फर्स्ट चैप्टर है, इसकी बुक का नाम है रुचिरा भाग द्वितीय जो कि 7th क्लास के लिए। लेसन का नाम है सुभाषितानी, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। पहला श्लोक है, इसमें श्लोक मतलब सुभाषितानी, सुभाषितानी का मतलब होता है भाषित, मतलब अच्छे वचन अच्छे शब्द, और सु का मतलब होता है अच्छे सुंदर, जो लोगों को प्रिय लगे लोगों को अच्छे लगे। तो सुभाषितानी मतलब अच्छे शब्द अच्छे वचन अच्छी बातें अच्छी अच्छी लाइनें। तो ये सब चीज हम पढ़ने वाले हमारे फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो हम लोग करते हैं शुरू। इसमें हमारा पहला श्लोक है। अब देखो श्लोक में क्या होता है, श्लोक में इस तरह से डिवाइड होता है कि ये 4 लाइन में कंप्लीट होता है एक श्लोक। ठीक है, तो जो फर्स्ट लाइन होती है उसके अंदर ये फिक्स होता है हर छंद के अंदर कि इसमें कितनी मात्राएं होनी चाहिए, दूसरी लाइन में कितनी मात्राएं होनी चाहिए, तीसरी में कितनी मात्राएं। तो इसी वजह से हम लोग शब्दों को आगे और पीछे रख सकते हैं। लेकिन संस्कृत के अंदर अगर किसी सेंटेंस में हम लोग किसी भी शब्द को आगे या पीछे रखते तो भी उनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसी तरह से ये श्लोक बनाए जाते हैं छंद के लिए, जिससे हम इन्हें अच्छे से गा सके और इनकी मात्राएं इधर उधर ना हो। इसके बाद इनका हम अन्वय करते हैं। तो अन्वय में क्या होता है, हम जब इसे हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो हमें जिस तरह से उसका अर्थ चाहिए उसी तरह से हम उन शब्दों को जमा देते हैं। ठीक है, लेकिन श्लोक के अंदर हम लोग गाने के हिसाब से कि हम उसे अच्छे से गा सके और उसकी मात्राएं वहीं के वहीं रहे, इसलिए हम लोग श्लोक में शब्दों को इधर उधर कर दिया जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। पहला श्लोक है हमारा, पृथिव्यां त्रीणी रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। ठीक है, तो अब इसका अर्थ करते हैं हम लोग। पृथिव्या सबसे पहले, पृथिव्या पृथिव्याम यानी पृथ्वी में, त्रीणी यानी तीन, त्रीणी का मतलब होता है तीन, रत्नानी यानी रत्न है। पृथ्वी में कितने रत्न है, पृथ्वी में इस श्लोक के अकॉर्डिंग बताया गया है कि पृथ्वी में तीन प्रकार के रत्न होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जलमन्नम। जलमन्नम क्या होता है, देखिए जल जलम, संस्कृत में पानी को बोलते हैं हम लोग जलम, और इसके आगे लिखा हुआ है मन मतलब अन्न, अन्नम। जब हम इन दोनों को मिलाते हैं मतलब संधि करते हैं तो ये बन जाता है जय लय, मैं आधा है इसलिए इसमें ए मिल जाता है तो ये पूरा बन जाता है जलम, और ये अन्नम जलमन्नम। ठीक है, तो जलमन्नम का मतलब होता है जल और अन्न। अन्न का मतलब होता है जो हम धान खाते हैं, जो हम खाते हैं वो अन्न है, और जल का मतलब है पानी। तो पृथ्वी पर कितने रत्न बताए गए हैं, पृथ्वी पर तीन प्रकार के रत्न बताए गए हैं, जल अन्न और सुभाषितम। सुभाषितम का मतलब अभी अभी हमने जाना, हमारे चैप्टर का नाम है सुभाषितानी है, मतलब सु का मतलब होता है सुंदर अच्छे, जो लोगों को अच्छे लगे लोगों को प्रिय लगे, भाषित यानी ऐसी भाषा। अब वो भाषा हिंदी हो उड़ीसा हो जो भी हो, वो जो भी भाषा है लेकिन वो कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए शुद्ध होनी चाहिए जो लोगों को प्रिय लगे ऐसी होनी चाहिए। तो पृथ्वी पर तीन प्रकार के रत्न बनाए बताए गए हैं, जल अन्न और सुभाषितम। इसके बाद सेकंड लाइन पे हम आते हैं, मूढ़े। मूढ़े का मतलब होता है मूर्ख लोग, जो मूर्ख लोग होते हैं उन्हें बोलते हैं मूढ़े। मूढ़े मतलब ये चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है, तो मतलब मूर्खों के द्वारा, मूर्खों के द्वारा। पाषाण खंडेशु, पाषाण का मतलब होता है पत्थर और खंड का मतलब होता है टुकड़े, मतलब पत्थर के टुकड़ों को
मूढ़े मतलब मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञा रत्न समझा विधीयते जाता है। रत्न समझा जाता है मतलब पृथ्वी पर तीन ही रत्न बताए गए हैं, जल जो कि हमारे पीने की व्यवस्था है, अन्न जो हमारे भूख लगने पर हम उसे ग्रहण करते हैं, और सुभाषितम जिससे हम अपने अच्छे वचनों से दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, अपनी बात को उन्हें बताते हैं, उनकी बात को हम जानते हैं, वो भाषा। और भाषा भी कैसी, अच्छी भाषा जो दूसरों को अच्छी लगे। लेकिन जो मूर्ख लोग हैं उन मूर्ख लोगों के द्वारा पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न संज्ञा विधीयते रत्न समझा जाता है। जो मूर्ख लोग हैं वो पत्थर के टुकड़ों को मतलब ये नीलम पन्ना ये जो पत्थर के टुकड़े हैं इनको वो लोग सोचते हैं कि ये रत्न है। क्या है ये, रत्न है। जबकि हमारी पृथ्वी पर रत्न कौन से बताए गए हैं, जल अन्न और सुभाषितम। ठीक है, आगे चलते सेकंड श्लोक है, सत्यं धारयते पृथ्वी सत्यं तपते रवि सत्यं वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। ठीक है, सत्यं सत्यं में एन लगा हुआ है मतलब सत्य से, सत्यं मतलब सत्य से अर्थ सहायता के लिए मतलब सत्य की हेल्प से, मतलब सत्यन सत्य से धार्यते धारित की जाती है मतलब उठाई जाती है पृथ्वी, सत्य से ही पृथ्वी धारण की हुई है, सत्य से ही पृथ्वी यहाँ विद्यमान है। सत्यन सत्य से ही तपते तपता है रवि, रवि का मतलब होता है सूर्य, मतलब सत्य से ही हमारी पृथ्वी स्थित है, सत्य से ही रवि यानी सूर्य वो तपता है मतलब जलता है और हमें प्रकाश देता है। सत्यन वाति वायुश्च और सत्य से ही वाति यानी बहती है, वाति यानी बहती है, वायु यानी पवन हवा। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सर्वम यानी इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है वो सब सत्य यानी सत्य से ही प्रतिष्ठित यानी विद्यमान है, मतलब इस संसार में जो भी चीजें हैं वो सब किससे विद्यमान है, सत्य से। इसलिए हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। सुभाषितानी का मतलब हमने जाना था, सुभाषितानी जो हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है, कि अच्छी अच्छी बातें हम इस चैप्टर में सीखेंगे। तो पहले चैप्टर में हमने सीखा था कि जो पन्ना ये सब जो पत्थर वाले टुकड़े हैं इन्हें हमें रत्न नहीं समझना, हमारे लिए रत्न कौन से हैं, जल है अन्न है और सुभाषितम है। ठीक है, दूसरे श्लोक में हमने सोचा समझा है कि सत्य सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें हमेशा क्या बोलना है, सत्य ही बोलना है। क्यों बोलना है, क्योंकि सत्य है इसीलिए पृथ्वी अभी तक विद्यमान है, सत्य से ही पृथ्वी स्थित है, सत्य से ही सूर्य तपता है वही हमें प्रकाश देता है, और सत्य से ही वायु बहती है, अगर सत्य ना हो तो वायु भी ना बहे। वो इस संसार में जो कुछ भी है वो सब कुछ सत्य से ही प्रतिष्ठित मतलब स्थित है विद्यमान है। ठीक है, नेक्स्ट, दानी तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नहि विष्म्यो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। देखिए इसके बाद बताया गया है कि दाने दाने मतलब दान देने में, किसी को कोई भी चीज की जरूरत हो तो हम उसे देते हैं, या हमारी खुशी से हम जब हम किसी को देते हैं तो उसे कहते हैं दान। तो दान करने में, तपसी तपस्या करने में, शौर्य बल में, लेकिन बल कैसा, जो दूसरों की हेल्प कर सके, ऐसा नहीं कि हम अपना ताकत बताए किसी को, नहीं, जिससे अगर हमारे किसी कार्य को करने से अगर किसी की हेल्प होती है तो वही हमारा बल है। दान में तपस्या में और बल में विज्ञान में मतलब नई नई चीजों का आविष्कार करने में, विनय का मतलब होता है नम्रता में, और विनय में और नये में हम लोगों को क्या नहीं करना चाहिए, विस्मयो, विस्मयो का मतलब होता है आश्चर्य नहीं करना चाहिए, नहीं कर्तव्यो करना चाहिए बहुरत्ना वसुंधरा, क्योंकि ये भी वसुंधरा यानी पृथ्वी पर ये सब बहुरत्न है, हमारी पृथ्वी पर बहुत सारे रत्न बताए गए हैं, उनमें ये भी एक रत्न है। कौन कौन से,
दान देना, तपस्या करना, शौर्य अर्थात बल, विज्ञान, विनय यानी नम्रता और नय, इन सब में हमें विस्मय यानी आश्चर्य नहीं करना चाहिए, मतलब हमें इन कार्यों को करना चाहिए। ये भी हमारी वसुंधरा पर, हमारी पृथ्वी पर रत्न है। नेक्स्ट, सद्भिरेव सहासीतः सद्भिकुर्वित संगतिम सद्भिर्विवादम मैत्रीम च ना सद्भि किंचित आचरेत। देखिए, सद्भि का मतलब होता है सज्जन व्यक्ति, सद्भि मतलब सज्जन व्यक्ति, सद्भिरेव मतलब सद्भि के साथ ही, सद्भिरेव सद्भि के साथ ही, सज्जनों के साथ ही, आसीत आसीत का मतलब है बैठना चाहिए या उनके साथ रहना चाहिए, आसीत का मतलब बैठना चाहिए, उन्हीं के साथ रहना चाहिए। सद्भि सद्भि यानी वही सज्जन, कुर्वीत यानी करना चाहिए, क्या करना चाहिए, संगति उन्हीं के साथ संगति करनी चाहिए। सद्भिरेव सहासीते, सद्भि यानी सज्जन, एव यानी ही, सह यानी साथ, आसीत यानी बैठना, सज्जनों के साथ ही हमें उठना बैठना चाहिए। सद्भि कुर्वित संगति और सद्भि यानी वही सज्जन, कुर्वीत यानी करना चाहिए, संगतिम यानी संगति करनी चाहिए, मतलब उनके साथ रहना चाहिए, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही हमें रहना चाहिए। सद्भिर विवादम मैत्रीम च, सद्भि यानी सज्जन, विवादम और मैत्रीम च, च का मतलब होता है और, सज्जनों के साथ ही विवाद और मित्रता, मित्र यानी मित्रता, विवाद का मतलब होता है, विवाद का मतलब ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा करना चाहिए, विवाद का मतलब है डिबेट, मतलब किसी टॉपिक को लेकर उन्हीं से बात करनी चाहिए जिससे हमें कुछ नया सीखने को मिले और कुछ अच्छा सीखने को मिले। इसलिए अगर हमें किसी टॉपिक पर अच्छे से बहस भी करनी है तो भी हमें किनके साथ करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही करनी चाहिए। लेकिन ना सद्भि मतलब जो नए यानी नहीं, असद्भि मतलब ना नए सद्भि मतलब जो सज्जन नहीं है, मतलब जो असज्जन लोग हैं, जो बुरे लोग हैं, उनके साथ किंचित यानी किसी भी प्रकार का आचरित यानी आचरण नहीं करना चाहिए। हमें सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए, मतलब उन्हीं के साथ रहना चाहिए। सद्भिर विवादम मैत्रीम च, और सज्जनों के साथ ही मित्रता और विवाद करना चाहिए। लेकिन जो ना सद्भि, जो असज्जन लोग हैं, जो बुरे लोग हैं, जो अच्छे लोग नहीं हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए फिर? किंचित आचरेत मतलब किसी भी प्रकार का आचरेत यानी आचरण व्यवहार नहीं करना चाहिए। ना उनके साथ बैठना चाहिए, ना उनके साथ रहना चाहिए, ना उनके साथ मित्रता करनी चाहिए, और ना ही उनके साथ किसी भी प्रकार का विवाद करना चाहिए। नेक्स्ट, धन धान्य प्रयोगेशु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तुलज्जु सुखी भवेत्। देखिए, धन प्रयोगेशु, इस शु का मतलब होता है सप्तमी विभक्ति, मतलब इसका अर्थ बन जाता है मे। धन धान्य प्रयोगेशु, धन मतलब पैसा वगैरह दौलत, धन के और धान्य, धान्य मतलब अन्न, ठीक है, धन के और धान्य के प्रयोग में, मतलब उसको खाने में या किसी को देने में, के प्रयोग में, प्रयोग का मतलब समझ के, विद्याया और जो हम विद्या ग्रहण करते हैं उस विद्या के संग्रहेशु, संग्रहण करने में, इकट्ठा करने में, अलग अलग लोगों से नई नई चीजें सीखने में, ठीक है, उनमें, और आहारे, आहारे मतलब भोजन को ग्रहण करने में, व्यवहार में, सभी लोगों से बातचीत करने में, च आहार, च का अर्थ हम यहाँ लगा देंगे कि आहार में और व्यवहार में, त्यक्त यानी त्याग देता है, लज्ज यानी लज्जा, लज्जा, लज्ज यानी लज्जा मतलब शर्म को त्याग देता है, लज्ज यानी शर्म को त्याग देता है, वो व्यक्ति सुखी भवेत, सुखी होता है। तो सुखी रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? धन धान्य के प्रयोग में, मतलब
जो हम खाते हैं, जो हम धन को सॉरी धन का मतलब जो धन है हमारा, पैसा वगैरह है, उसके प्रयोग में, मतलब उसको किसी को देने में, लेने में, अगर वो किसी ने हमसे उधार पैसा ले लिया तो हमें उसे लेने में भी हम कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। धन के प्रयोग में मतलब धन को देने में और लेने में लज्जा को, शर्म को त्याग देना चाहिए, तो हम क्या रहेंगे, सुखी रहेंगे। धान्य के प्रयोग में मतलब धान्य मतलब जो धान्य होता है, मतलब अन्न होता है, उसके प्रयोग में, उसको भी देने में, लेने में, खाने में, शर्म को जो त्याग देता है वह सुखी रहता है। विद्या या संग्रहेशु, और जो विद्या ग्रहण करते हैं वो हम सभी लोगों से, जिसके पास जो अच्छा है, जिसे जो आता है, उससे उस चीज को सीखने में भी हमें क्या कर देनी चाहिए, हमें शर्म को त्याग देना चाहिए। इससे हम क्या रहेंगे, सुखी रहेंगे। और क्या बताया है, आहार में मतलब भोजन को ग्रहण करने में, भोजन को खाने में, मतलब हमें भूख लग रही है तो हमें मांग लेना चाहिए कि हमें भूख लगी है, हमें खाना दे दो, तो खाना खाने में कहीं भी शर्म नहीं करनी चाहिए। व्यवहार में मतलब लोगों से बातचीत करने में भी हमें कभी शर्म नहीं करनी चाहिए, और जो ये सारे कार्य करता है वो हमेशा सुखी रहता है। ठीक है, तो सुभाषितानी जो हमारा चैप्टर है, इसके 5th श्लोक में हमें क्या बताया गया है कि हमें सुखी कैसे रहना है। सुखी कैसे रहना है कि हमें भूख लग रही है तो हमें खाना मांग लेना है, हमें शर्माना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट 6th एंड लास्ट, क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किम न साध्यते, शांति खड़क करे यस्य किम करिष्यति दुर्जने। ये भी काफी अच्छा श्लोक। क्षमा, क्षमा का मतलब होता है किसी को माफ कर देना। वशीकृति मतलब वश में कर लेती है, मतलब जब हम किसी के साथ अच्छा करते हैं, किसी को क्षमा कर देते हैं, तो इससे क्या होता है, उस इंसान के माइंड में हो जाता है कि यार अपन ने तो बुरा किया था लेकिन इसने अपने साथ अच्छा किया है, तो मतलब वो मन से हमारे प्रति अट्रैक्ट हो जाता है, मतलब वश में हो जाता है वो हमारे, कि वो नेक्स्ट टाइम हमारे साथ बुरा नहीं करेगा। तो उसके लिए अब इस संसार में क्या बताया गया है, संसार में कि क्षमा, किसी को माफ कर देना, वशीकृति लोके, इस संसार में वशीकरण का एक प्रकार है कि अगर हमें किसी को अपना बनाना है तो उसके लिए हमें उसकी हर गलती को क्या करना होता है, क्षमा करना होता है। क्षमया किम न साध्यते, और जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो उससे किम यानी क्या, न यानी नहीं, साध्यते यानी साधा जा सकता, मतलब क्या नहीं पा सकते आप किसी को क्षमा करके, मतलब लोगों को हमें क्षमा कर देना चाहिए अगर कोई गलती करते हैं तो। शांति, शांति खड़क करे यस्य, शांति यानी शांति रूपी, मतलब जो शांत रहता है, जो ज्यादा नहीं बोलता है, जो लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, जो शांति है वो क्या है, खड़क, खड़क का मतलब होता है तलवार, खड़क का मतलब क्या होता है, वो एक तलवार है, करे यानी हाथों में, करे यानी हाथों में, यस्य यानी जिसके, जिसके हाथों में शांति रूपी तलवार है, मतलब अगर हम किसी का बुरा करें, किसी को बहुत गंदा 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 बोले, लेकिन अगर वो शांत रहे, अगर वो शांत रहे तो उसका वो सामने वाला क्या बिगाड़ लेगा। अगर सामने वाला आपके साथ बुरा करता है और आपको गुस्सा आता है, आपकी एनर्जी वेस्ट होती है, आप भी बोलते हो, आप भी गंदा गंदा बोलते हो, तो बुरा किसका हुआ, आप ही का तो हुआ। तो इसलिए जिस व्यक्ति के हाथ में शांति रूपी तलवार है, शांति रूपी तलवार का मतलब है जिसके साथ कोई बुरा करते तो भी वो इंसान शांत रहता है, उस व्यक्ति का किम यानी क्या, करिष्यति यानी करेगा, दुर्जन यानी दूर यानी बुरे, जन यानी लोग, बुरे लोग, जो बुरे लोग होते हैं वो उस इंसान का भी कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहली चीज तो क्या कि इस संसार में क्षमा को क्या बताया गया है, वशीकरण का एक तरीका बताया गया है कि अगर हमें किसी को वश में करना है तो उसके लिए हमें क्या कर देना चाहिए, उसे क्षमा कर देना चाहिए, कि हम क्षमा से क्या नहीं पा सकते इस दुनिया में, तो हमें लोगों को गलती करने पर भी क्षमा कर देना चाहिए। और जिस व्यक्ति के हाथ में शांति रूपी तलवार है, जो हमेशा शांत रहता है, उसे कुछ भी बोल दो तब भी वो शांत रहता है, तो किम करिष्यति दुर्जने, तो उसका बुरा व्यक्ति भी क्या करेगा। ठीक है, तो बुरा व्यक्ति भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आई होप कि आपको लेसन समझ आया होगा। इसके बाद मैंने इनके सबके हिंदी अर्थ भी लिखा हुआ है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। श्लोक नंबर 5, श्लोक नंबर 6। थैंक यू वेरी मच।